अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक दिन रहा जब हम देखते हैं कि वो काले कोट वाले जिनको के कानून का मुहाफिज समझा जाता है, आज दिन भर वही कानून के मुहाफिज जो हैं वो लाहौर में PIC हॉस्पिटल उनको इन कानून के मुहाफिजों के हाथों हॉस्टेज बना रहा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अस्पताल का अमला, डॉक्टर्स, पुलिस और यहां तक के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन वुकला के हाथों इनके तशद्दुद का निशाना बनते हैं, वुकला गर्दी का निशाना बनते हैं। और हॉस्पिटल में मौजूद वो मरीज जो कि हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने आए थे, उनको इसी हॉस्पिटल से भाग कर अपनी जान जो है बचानी पड़ती है। और बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने से तकरीबन 3 पेशेंट्स जो हैं अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ गए हैं। अब इन लॉयर्स ने या वुकला ने इस बदतरीन तशद्दुद और शदीद एहतजाज का जो जवाज बताया है वो सुनकर और जो है दिल खून के आंसू होता है कि जवाज जो था इस तमाम मामले का वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो थी जो कि दूसरी जानिब से यानी कि डॉक्टर्स की जानिब से रिलीज की गई थी और प्रोवोक किया गया था, जिसके जवाब में इन लॉयर्स ने इन वकला ने आज हॉस्पिटल वो जगह जो कि मैदान जंग में भी अमन का एक पेश खेमा समझी जाती है, आज वही जगह हस्पताल जो है वो मैदान जंग का समा पेश करता नजर आया। हम इस तमाम सूरत हाल के दौरान जो है देखते हैं कि जो प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फयाजुल हसन चौहान साहब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें भी वकला गर्दी की जानिब से जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और न सिर्फ ये कि हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स बल्कि अपोजिशन के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी फयाजुल हसन चौहान पर हमले और वकला गर्दी की मजम्मत आज की है। और अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि हुकूमत का काम रियासत की रिट बहाल करना होता है, लेकिन जब रियासत खुद जेर अताब आ जाए तो फिर सूरत हाल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकती है। और आज का दिन जो इस वक्त पूरी कौम ने देखा, हम सब ने विटनेस किया, उसके बाद हम सब के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं, बिकॉज लॉयर्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसको के मुआशरे का एक पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है। दूसरी जानिब जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो भी पढ़ा लिखा तबका ही समझा जाता है। आखिर क्या वजह है कि ये दोनों जो मीडियम्स थे, एजुकेटेड थे, सिविलाइज थे, वो अपने डिफरेंसेस चाहे जो भी हो वो बैठ कर और एक सिविलाइज तरीके से हल क्यों नहीं कर पाए। और अब इस सब वाक़े पर हमारे सामने जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है बर वक्त एक्शन क्यों होता हुआ नजर नहीं आया, ये भी सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस की ज्यादा नफरी पहले से तलब करके मामला को हैंडल किया जा सकता था, बेटर तरीके से जो हैंडल कर लेते, इतना जानी नुकसान ना होता और ना ही माली नुकसान होता। जो पुलिस वहां मौजूद थी, कहा यह भी जा रहा है और हमने देखा भी कि जो पुलिस वहां मौजूद थी वो भी महज शुरू में तो तमाशाई बनी इस सारी सिचुएशन को देखती रही, लगता था कि वो भी वकला गर्दी से जो शायद डर गए थे, सहम गए थे पुलिस वाले भी। और फिर इस तमाम मामले पर वजीर आजम इमरान खान साहब जो है उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन अब जिम्मेदार क्या कठहरे में खड़े होते नजर आएंगे या नहीं, असल हुकूमत का जो इम्तिहान है वो यही होगा कि क्या अल्टीमेटली जो लोग इस तमाम सिचुएशन के जिम्मेदार हैं क्या उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएंगे, क्या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, क्या ये मेक श्योर किया जाएगा कि बेल बिफोर अरेस्ट ना ले ली जाए। हम इन तमाम इस तमाम मामले का जो है जायजा लेंगे अपने शो में, डिस्कशन में। और दूसरी जानिब अगर इंटरनल मामलात की बात कर लें तो आज पीपल्स पार्टी को भी कोर्ट्स की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मंजूर कर ली। और फिर कोर्ट्स में पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई जिसको पढ़ने के बाद कोर्ट्स ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या नैब चाहता है कि आसिफ जरदारी को कैद करके कौमी खजाने से इलाज जारी रखा जाए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था, वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद आसिफ जरदारी साहब को 1 करोड़ रुपए के 2 श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने का हुक्म देते हुए उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई। ये आज की कोर्ट प्रोसीडिंग जो कि जरदारी साहब के हवाले से थी उसका हाल था। हम बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर टुडे, हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ हेल्थ कमेटी पंजाब हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब अहमद चट्ठा साहब, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, सीनियर लीगल एनालिस्ट हैं। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर कासिम आवान साहब, प्रेजिडेंट ऑफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
हम आज आपके सामने हमने आज देखा कि जो अफसोसनाक हालात पूरा दिन हमारे सामने आते रहे पेश, और उसमें सबसे ज्यादा जो अफसोस का मकाम था वो ये देखना था कि वो दोनों तबकात जो कि एजुकेटेड समझे जाते हैं, सिविलाइज समझे जाते हैं, उन तबकात में जो है इस किस्म का एक आपको डिजास्टर नजर आ रहा था। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो काले कोट वाले जो कि कानून के मुहाफिज समझे जाते हैं वो हमला कर रहे हैं, एंड ऑफ ऑल द प्लेसेस हॉस्पिटल पर, अस्पताल पर। मैं अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो सबसे पहले हम यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि हमारे इस पैनल में आज काले कोट वाले भी मौजूद हैं और सफेद कोट वाले भी मौजूद हैं। हमें अभी बताया गया है कि डॉक्टर कासिम आवान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इफ यू ऑल अलाउ मी, तो हम डॉक्टर कासिम आवान, प्रेसिडेंट ऑफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब हैं, उनसे पहले राय ले लेते हैं। ये डॉक्टर कासिम आवान साहब, आज लाहौर का वो हॉस्पिटल जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो कि खुद मैदान जंग में एक अमन का मकाम बनता नजर आता है, वो आज सारा दिन खुद मैदान जंग बना रहा है, जहां पे दिल के मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसका इलाज भी इंतहाई, जिसे कहते हैं क्रिटिकल नौयत का होता है, कोई रेगुलर ट्रीटमेंट वाला हॉस्पिटल भी नहीं है। तो ये अगर आज के मामले का जायजा लिया जाए तो ये मामला शुरू कैसे हुआ? कुछ अरसे कम तो हमने देखा था कि PIC में डॉक्टर्स और लॉयर्स के दरमियान जो तसादुम हुआ था वो रफा दफा हो चुका था, तो ये दोबारा से इग्नाइट कैसे हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मेरा मौका लिया। मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करूं कि बेसिकली ये लड़ाई डॉक्टर्स और वकील के दरमियान नहीं थी, ये एक डिस्पेंसर के साथ लड़ाई हुई। उस डिस्पेंसर के साथ तल्ख कलामी के बाद वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ और फिर वहाँ के जो स्वीपर्स हैं उनके साथ लड़ाई हुई है। डॉक्टर्स को तो इन्वॉल्व बाद में किया गया अपनी फेस सेविंग के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद वकील साहबान से ना ये हजम नहीं हो रहा था कि उनको स्वीपर्स ने या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा है, और वो शायद अपनी इसको एक इंसल्ट समझ रहे थे कि हम दर्जा था चारों लोगों से मार खा के आ गए। अब देखें लड़ाई हुई कहाँ पे, एक डिस्पेंसर के साथ जो कि गलत काउंटर पे, वकील साहब आते हैं गलत काउंटर पे, वो डिस्पेंसर उनको गाइड करता है कि आप ब्राय मेहरबानी दूसरी से तीसरे काउंटर पे चले जाएं, वहां से आपके जो एंटाइटल की मेडिसिन है वो वहां से आपको यहाँ वहां से मिलेगी। मैं जो बैठा हूँ ये काउंटर जो है, ये जो विंडो है, ये पुअर पेशेंट्स के लिए है। अब वकील साहब ने डेफिनेटली वो पहले एक लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद उनको वो दूसरी लाइन में लगना पड़ना था, क्योंकि PIC के अंदर एट अ टाइम उस डिस्पेंसरी के अंदर 1000 से 1500 मरीज होता है जो लाइन में लग के अपनी मेडिसिन ले रहा होता है डेली की। अब वो उनसे शायद वो उनकी इज्जत में कमी आ गई, अगर उन्होंने इसका वो एक लड़ाई बनी, AMS साहब ने बैठ के उस लड़ाई को सेटल की, चाय पिलाई गई वकील साहबान को, उनकी मेडिसिन मंगा के दी गई, वो सारा मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद 30 से 40 वकील आए, उन्होंने आके फिर उस डिस्पेंसर को और अस्पताल के अमले को मारा, और कहीं पे वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर को कब नॉमिनेट किया गया, जब डॉक्टर इन्वॉल्व हुए, जब डॉक्टर्स के खिलाफ, तीन डॉक्टर्स के खिलाफ FIR के अंदर उनके नाम डाले गए, डॉक्टर्स को तब इन्वॉल्व किया गया, उससे पहले डॉक्टर किसी लड़ाई के अंदर मौजूद नहीं थे। अब क्योंकि अस्पताल का अमला है, हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, तो हमारी एक दूसरे के साथ सिंपथीज शामिल होती हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना ही करना होता है। जब डॉक्टरों के खिलाफ पर्चे हो जाएगा तो डेफिनेटली बात है डॉक्टरों ने भी बाहर आना है, और ये एक लड़ाई फिर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और वकील की लड़ाई बन के रह गई। उसके बाद आपसे ऑलराइट, तो पहले, आपने आज से जैसे कि पहले बताया कि ये फर्स्ट एपिसोड होता है, जी आज से 5 दिन पहले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, PIC के डॉक्टर्स भी उसके अंदर बैठते हैं, वहां का सारा अमला भी बैठता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर हम वकीलों की कहीं पे दिल आजारी हुई है तो हम उनसे माजत खां हैं, हम नहीं चाहते कि ये मामलात, ये मसाइल हमारे अस्पतालों के अंदर डेली बढ़े, लोग खौफ और हरास के अंदर है, हम चाहते हैं कि मामलात तय हों। सीधी सी बात है जी, काला कोट इस टाइम आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी एक दहशत है, और हर बंदा आज मानता है, आज उनकी दहशत तो फयाज हसन चौहान साहब ने भी देख ली है, लेकिन जब वो लेकिन ये फिर वकीलों के डॉक्टर दरमियान कासिम आवाद मौजूद थे साहब, आपने और जो अभी वकीलों ने जिस सारा तरह से वाकया उनको बताया सफर है रसीद कि किए वहां पे, जिस तरह से वकीलों कैसे ने, ये टर्बुलेंस स्टार्ट हुई, वो मिनिस्टर डॉक्टर है, कासिम सिटिंग साहब, इफ यू मिनिस्टर है, कैन जब हियर मी उनकी आउट, इज्जत। आप अगर मेरी जी बात जी सुन ले, ये जो आज वाकयात हुए हैं, अफसोसनाक अंधोनाक वाकयात कहे जाएंगे, आज हमारी पूरी कौम के लिए जो है ये एक इंतहाई ब्लैक डे अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। लेकिन इस वाकये की एक सिलसिले की जो कड़ी है वो एक वीडियो भी है जो कि इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे जो है वायरल है, और कहा जा रहा है कि इस वीडियो के खिलाफ वकला जो है
वो मुकदमा दर्ज करवाने थाने जाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होने पर फिर वकला ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। नॉट दैट के स्टिल कोई भी मामला हो, हॉस्पिटल पे अटैक किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। लॉयर्स का ये एक्शन, वकला का ये एक्शन फिर भी कंडेमेबल है। उनको फिर भी इस चीज की कोई इजाजत नहीं देता कि चाहे वीडियो हो, उसमें प्रोवोक किया गया हो, कुछ भी रीजन हो, हॉस्पिटल पे अटैक तो खैर एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई है, इसकी इस मामले का इसका क्या इशू है? अच्छा जी, एक तो जंग के दिनों के अंदर भी अस्पतालों पर हमले नहीं होते हैं। दूसरी बात कि वीडियो वायरल हो रही, कल डीआईजी ऑफिस के अंदर बैठ के इनके लाहौर बार के सदर चीमा साहब, उनके जनरल सेक्रेटरी, हमारे तरफ से कुछ डॉक्टर्स बैठ के सुलह सफाई होती है मामला, उसी वीडियो की भी डिस्कशन होती है वहाँ पे। इनको वो बुरी लगती है वीडियो, ये वीडियो तब की है जब प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले 5-6 दिन पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो है जो वायरल अब हुई है, और उस वीडियो के बाद भी जिस डॉक्टर साहब की वो वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने कल एक दोबारा वीडियो अपनी बयान जारी की है कि ये वीडियो पहले की है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहाँ पे डॉक्टरों को भी कुत्ता कुत्ता कहा गया वकीलों की तरफ से, जहाँ डॉक्टरों की लाशें बिछाने के लिए भी वकीलों की तरफ से कहा गया, जहाँ काले कोट व्हाइट कोट की बेइज्जती और इंसल्ट की गई एहतजाजों के अंदर, ये उसी टाइम की एहतजाज है जिसकी वीडियो जो होती है वो कल या परसों वायरल होती है, और वो कौन वायरल करता है ये इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस खत्म हुई लड़ाई को दोबारा बढ़ाया। और आज अगर वकील साहबान जाते हैं अपने आने के लिए और अगर पुलिस उनकी एफआईआर नहीं काटती है तो वो जाएं डीआईजी ऑफिस का घेराव करें, वो एसएसपी ऑपरेशंस का या एसएसपी के खिलाफ घेराव करें, वो जाके थाने का घेराव करें, वो अस्पताल के चले अस्पताल की जेल रोड पे आके वो प्रोटेस्ट करते अपना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं। लेकिन ये कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी कि आप इमरजेंसी के अंदर घुसे, इमरजेंसी के शीशे तोड़े, रिसेप्शन के ऊपर बैठे हुए लोगों को हरासा करें, वहां पे बैठे हुए अमले को हरासा करें। पेशेंट्स की टीम की एक्सपायरी हो गई है आज, आपको शायद पता होगा आज 3 पेशेंट एक्सपायर हो गए, जब यहाँ इन्होंने हमला यहाँ पे दावा बोला गया उस वक्त डॉक्टर्स पैरामेडिक्स नर्सेज अपनी जान बचा के जब अंदर भागे हैं, वहां पे ऑक्सीजन मास्क उतरे हैं मरीजों के, अब मीडिया स्टेटमेंट्स आई हुई है लोगों की, पेशेंट्स जिनकी एक्सपायरी हुई है उनके उनके मैं एक बेटे की उसकी लवाहिकीन में से एक बेटे की मैं वीडियो सुन रहा था, वो बता रहा था क्लियर कट, शायद मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, मैं अगर आपको प्रोग्राम में बैठा था मैं वो जरूर आपको दिखाता। आज जब एहतजाज के लिए निकले हैं, एक डॉक्टर इनके वकील साहब का एक अपना वो टिकटॉक चला हुआ था और एक वीडियो वायरल हुई है उनकी कि डॉक्टर ये पीछे देखो समंदर आ रहा है, आज तो लाशें होंगी लाशें, ये बयान दे के जब आप अपने वकीलों को लेके आएंगे वहाँ पे, तो ये सारी वीडियो वायरल है और हमारे प्रोड्यूसर जो है वो दिखा भी रहे होंगे स्क्रीन पर, ये चल भी रही है, ये तमाम वीडियोस जो कि इस तमाम हादसे से पहले बनी है और फिर इसके बाद जो सामने आ रही है जो कि इश्तियाल अंगेजी दिखाई जा रही है। मैं यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब आपकी जानब आऊंगी, आपने भी डॉक्टर कासिम आवान साहब का जो है सारा परस्पेक्टिव सुना, लेकिन डॉक्टर कासिम आवान साहब बिफोर वी मूव ऑन, क्या आपकी जानब से भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानब से भी प्रोवोक किया गया, पोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया लॉयर्स बिरादरी को, वकला बिरादरी को? और ऑफ कोर्स उनका ये कदम इंतहाई गलत है कि उन्होंने आकर हॉस्पिटल को जो है हॉस्टेज बनाया और जो वहां पे इन्होंने हालात क्रिएट किए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आपकी जानिब से भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, आप लोग व्हाइट कोट्स वाले हैं, वो लोग ब्लैक कोट्स वाले हैं, आप दोनों तबकात जो हैं, दोनों जो कम्युनिटीज हैं वो एजुकेटेड कम्युनिटीज हैं ऑफ द सोसाइटी, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप लोग इस तरह से बिहेव करेंगे अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, अगर आप लोग पढ़ा लिखा तबका इस तरह से बिहेव करेगा तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? आप लोगों को तो रोल मॉडल्स होना चाहिए। देखें, प्रोवोक किसी साइड से नहीं किया गया, हमारी साइड से बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया। वाईडीए के जो ओहदेदारान हैं, जो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड लोग हैं, वो किसी भी जगह के ऊपर अगर इन्वॉल्व नजर आए तो हमें बताएं। जिस वीडियो की ये बात जो कोई एक्सक्यूज बना के कह रहे हैं कि जिस वीडियो वायरल होने के बाद हम प्रोवोक हुए, उसी वीडियो के प्रोवोक वायरल होने के अगले ही 2 घंटे बाद आपने एक और अपनी वीडियो अपनी निकाली और उस वीडियो के अंदर उन्होंने अपना क्लियर माजरत की कि अगर ये वीडियो पुरानी है, उन्होंने हवाला दिया कि वो जो वायरल हुई हुई वीडियो वो पुरानी वीडियो है, मैं फिर भी आप लोगों से माजरत करता हूँ अगर आपकी दिलाजारी हुई है, ऐसा हमारा कोई, लेकिन हम ना कोर्ट कचहरियां फिर सकते हैं, सीधी सी बात है, वकील लोगों का तो डेली का काम है, हमारा नहीं है, ना हम थाने कचहरियों के चक्कर लगा सकते हैं, ना हम कोर्ट में आ सकते हैं, ना हमारे पास इतना फजूल सा टाइम है कि हम सड़कों पर आके बैठ, हमने अपनी घर देखने, हमने अपने अस्पताल देखने, हमने अपने एम्प्लॉज को देखना है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इनका जो मौकफ है ये टोटली रॉन्ग है,
ये प्रोवोक किया गया है वाइडे की तरफ से या किसी भी पूछ लेते डॉक्टर हैं की हम तरफ यहाँ से, कहीं पे पर, भी नजर दिखा। यानी आपकी जानिब से आपके मुताबिक किसी किस्म की कोई प्रोवोकेशन जो है नहीं की गई, मैं इंस्टिगेट नहीं मुझे किया कहना, गया अगर था, किसी लेकिन ऐसा जो कोई ऐसा इतलात ये ऑफिशियल, भी आ रही है कि आप लोगों की जानिब से उनको बुलाया गया था PIC के, आकर यहाँ पर बात की जाए, मुलाकात की जाए, और फिर ये तमाम जो है मामलात हो जाते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपने अभी ये छह हमारी को बुलाते गुफ्तगू हैं ना, सुनी है, 500 से ये 600 आखिर वकीलों को थोड़ा प्रॉब्लम क्या बुलाते, है? छह लोगों को बुलाते, 500 से छह सौ मुकम्मल कर लोगों को लें थोड़ा आप। बुलाते, पुलिस की वैन तो ना आके जलाते, यहाँ पे आके टायर तो ना जलाते। जी नीलम, मैं बात जस्टिस करूँ। रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, आखिर हाँ जी, मसला क्या है? ये वकला गर्दी, ये टर्म्स हमारे सामने आ रही है, और आज का इंतहाई, जिसे कहना चाहिए ब्लैक डे कहा जा रहा है, इंतहाई अलमनाक वाकया हुआ है। जो भी रीजन हो, चाहे नो मैटर व्हाट, आप हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करते, आप किस तरह से आज के इस दिन को देख रहे हैं? जी नीलम, मैं सबसे पहले तो जो दोनों वाकयात हुए, जो वाकया आज से 10 रोज पहले हुआ हॉस्पिटल के अंदर, जब कुछ पैरामेडिकल स्टाफ ने और कुछ डॉक्टर्स ने वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। वो वाकया भी नहीं होना चाहिए था, बड़ी ज्यादती थी, बड़ा गलत वाकया था। और जो कुछ आज हुआ, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। मैंने काला कोट पहना हुआ है, मैं वकला का नुमाइंदा रहा हूँ, मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का। मैं किसी तरीके से भी इस वाकये को आज अप्रिशिएट नहीं करता। जो कुछ आज हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमें इसके पस मंज़र में जाना है। देखें, हमारा चोली दामन का साथ है डॉक्टर्स से, डॉक्टर्स हजरात का और वकला का। हम दोनों मसीहा माने जाते हैं, वो अपने शोबे के मसीहा माने जाते हैं, हम अपने शोबे के मसीहा माने जाते हैं। हम भी लोगों की दादरसी करते हैं, वो भी लोगों की मसीहाई करते हैं। तो कभी ऐसे हुआ नहीं, हमारे डॉक्टर साहबान हमेशा लेकिन एविडेंस आप देने आते आज हैं तो कत्ल के कानून के मुकदमात में। मसीहाओं ने नहीं जो नीलम, है मुझे सुने लोगों एक की मिनट के जानें लिए, ले आप ली सुने, हैं। आप एक मिनट के जो लिए सुने, मैं वो पेशेंट्स बात हैं, करने आपने वाला भी आई एम हूँ। श्योर काउंट ऑफ डेथ हम सुन जब लिया से होगा। वकालत में आए हैं, वो नहीं एविडेंस वो देने ठीक आते है, हैं, आप हम मुकम्मल उनके कर लें हम अपनी उनके बात। ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है। हम बड़ा आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे को तो वहाँ फिर जो आज है ये डील अच्छा करते हैं, माहौल कहाँ अदालतों के गया अंदर क्रॉस भी। एग्जामिनेशन क्या? जी यहाँ नीलम, तो मुझे आप बात बात करने करने के दे, काबिल बात भी ये नजर बड़ी नहीं आ ज़रूरी रहे थे है। वो ये बड़ी, लॉयर्स। अगर आप उन वीडियोस को देखें तो वो तो इरादे से ही आ रहे नीलम थे, मैं वो तो बात कर रहा गर्दन हूँ, मुझे ये लेकर जब आप क्या बात लेकर करने दे, पहुंचे डॉक्टर हैं साहब भी हॉस्पिटल बैठे पर? हैं, हम बड़ी अच्छी बात करेंगे आज। मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ जो आज वाकया हुआ है, लेकिन हमें इसकी तय में जाना है। देखें, कुछ कुछ यंग वकला हमारे ऊपर भी हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, और कुछ यंग डॉक्टर्स भी शायद ऐसे होंगे जो अभी बच्चे हैं और जज्बाती हो गए होंगे, उनको उनकी एसोसिएशन को कंट्रोल करना है। हमें कल बैठ के को अच्छा माहौल आपस में पैदा करना है, ये तमाशा नहीं लगाना हमें कि एक तरफ जो वाइट कोट वाले वो निकल आए, एक तरफ हम ब्लैक कोट वाले निकल आए, तो ये जगनसाई की बात है। हमें इन वाकयात को रोकना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस सारे वाकयात के पीछे या तो कोई खुफिया हाथ है और या इंतजामिया की गफलत है। जब क्या इंतजामिया यहाँ को ये इस पर रमजान चौधरी जी साहब, क्या इस किस्म के इंसिडेंट्स की क्या बार काउंसिल की जानिब से जो है सरपरस्ती की जाती है? जो वहां पर बड़े बैठे हैं नहीं आपके नहीं मैं लॉयर्स आपको के बिल्कुल ऊपर, जो यकीन हेड दिला ऑफ रहा बैठे हुए हूं हैं इस कि इदारे के, हम इसका उनकी नोटिस ले रहे जानिब हैं से बार क्या काउंसिल में सरपरस्ती भी। की जा रही है, उनकी जानिब से क्या इनको इनकरेज किया जा रहा है? अगर वो लोग बैठकर इस एटीट्यूड को डिस्करेज करें तो आई डोंट थिंक कि इन लोगों में इतने गट्स होंगे कि ये जाकर अस्पतालों पे अटैक करते फिरेंगे, और ये गन्स नीलम लेकर जा रहे बिल्कुल हैं नहीं और वो होगा। हमें बाकायदा आप बता रहे हैं बिल्कुल, दिखा मैं रहे आज हैं कौम को ये कहना चाहता कि फिर हूं इसका मतलब है आपके जो प्रोसेस सीनियर्स से। हैं वो ही एक गलत स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं नीचे जूनियर्स के लिए, वरना इतनी इतनी हिम्मत के साथ जूनियर्स कैसे जा सकते हैं? देखें नीलम, मैं नंबर एक तो हमारी बार काउंसिल ने, पंजाब बार काउंसिल ने भी और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी और सीनियर वकला ने इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया है। हमारी बैठक हुई है, उस बैठक से मैं उठ के आ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप आगे भी देखें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो नौबत यहाँ तक पहुँची है, अगर इंतज़ामिया इसको बार वक्त इसका तदारक करती और जब सुबह वकला गए अपनी FIR दर्ज करवाने, उनकी FIR दर्ज हो जाती तो शायद यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। फिर आखिर इंतजामिया को खबर है रात से कि एक वीडियो वायरल हुई है, कुछ नौजवान वकला इश्तहाल में आ सकते हैं और ये कोई बड़ा वाकया रूनमा हो सकता है, तो इंतजामिया ने वहां क्या किया? इंतजामिया अगर इसको रास्ते में रोकती, रास्ते में हम कहीं उस पर भी बात सवाल करती, उठा रहे हैं और उठाएंगे, मुजाकरात लेकिन करती, पहले तो हम शायद सॉर्ट यहां आउट तक तो कर वाकया लें ना कि होता। आखिर विद इन लॉयर्स कम्युनिटी क्या इश्यूज देखें हैं, नीलम, आपके वहां पर क्या जो है लूप मैं होल्स एक और हैं, बात कहना और चाहता हूं। आपको देखें, अपने जो अंदर वहां भी देखना पे चाहिए, अपनी बेहमाना कम्युनिटी के लाठी अंदर भी चार्ज देखना हुआ, चाहिए। ऑब्वियसली जो
ہر جگہ اب نظر آ رہا ہے کہ جو وکلا گردی کی ایک ٹرم جو ہے وہ پاپولر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی حیران کن ہے، ابھی میڈیا نے نہیں دکھائی، ہمارے 8 وکلا بڑے سیریسلی انجرڈ ہیں اور بیرسٹر سعید ناگرا صاحب بیچارے زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، وہ پہلے ان کو لے کے گئے جنرل ہاسپٹل تو وہاں ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹ نہیں کیا، وہاں پیرا میڈیکل سٹاف نے ان سے بدتمیزی کی، وہ بے ہوش ہے اور ان کا علاج نہیں کیا، یہ بھی پھر ان کو لے کے آئے ہم اتفاق ہاسپٹل۔ اب وہاں پہ وہ زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں میں، اللہ نہ کرے کوئی وہاں سانحہ ہو جائے تو یہ بہت آگ پھیل سکتی ہے۔ اب آج ہمارے سامنے ایک انتہائی افسوسناک دن ہے، 8 وکلا اور گرفتار ہیں، 8 وکلا اور زخمی ہیں، وہ لوگ جو کہ قانون کے محافظ ہیں وہی جا کر لوگوں کی جان لے رہے ہیں، وہی اور وہ بھی نہیں، نیلم میں کون اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ میں اگلی بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ 8 وکلا زخمی ہوئے پولیس سے تشدد میں اور 20 وکلا گرفتار ہیں اور 3 وکلا گرفتار ہیں جو مختلف تھانوں میں اس وقت نظر باندھے ہیں، ان کے لواحقین جا رہے ہیں، تھانے والے ان کو ملنے نہیں دے رہے، وہ جوان بچیاں ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایک پرامن معاشرے کے اندر۔ کیا جو وکلا لائرز موومنٹ کی گئی تھی آج سے 10 سال پہلے، آج ہم 10 سال بعد یہ جو جنریشن کلٹیویٹ ہو کر آئی ہے لائرز موومنٹ کے بعد، لائرز رائٹس کے بعد، یہ جنریشن کلٹیویٹ کی گئی ہے، ان کو یہ چیز جو ہے سکھائی گئی ہے کہ آپ آ کر اپنے ملک میں، کسی بھی ملک میں ہو، ہاسپٹل پہ جا کر اٹیک کر دیں اور پھر اس طرح سے جو پورا دن ہوتا رہا وہ مال روڈ پہ پھر آتے ہیں، پھر وہاں پر آ کر سٹیزنز کو، لوگوں کو جو ہے زدوکوب کرتے ہیں، پولیس وین کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آئی مین واٹ از آل دس؟ دیکھیں نیلم، میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ جو واقعہ آج ہوا ہے بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے، میں بھی اس کا افسوس کر رہا ہوں، باقی ہمارے سینئر وکلا ساتھی اور جو بار کونسلز کے نمائندے ہیں، بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے ہیں، سب بیٹھ کے افسوس کر رہے ہیں۔ ہماری شام میں ایک بیٹھک ہوئی ہے اس کے اوپر، میں یقین دلاتا ہوں پوری قوم کو کہ جو بھی اس میں ہمارے چند وکلا اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے ہم خود ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ایسا ہی رویہ میں ڈاکٹر سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان کی جو ایسوسی ایشنز ہیں وہ بھی ذرا اس کا نوٹس لیں کہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں ایک کمیونٹی کا۔ آخر دیکھیں ہمارے میں بھی کچھ نوجوان وکلا ہیں جو آپے سے باہر ہو کے انہوں نے آج یہ واقعہ کر دیا، ہم اس کو جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہے، ہم اس کی مذمت خود کر رہے ہیں اور ہم اس کا تدارک کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں انتظامیہ کی غفلت ضرور شامل ہے، اگر انتظامیہ بار وقت ان کا پرچہ درج کر لیتی اور وہیں پہ معاملہ ریزالو ہو جاتا تو یہ شاید وہاں تک بچے نہ آتے، وہ جو آئے ہیں بچے انہوں نے غلطی کی ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم انشاءاللہ خود اس کا تدارک کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کے جو اس واقعے میں ملوث پائے گئے ہم ان کے لائسنس سسپینڈ کریں گے اور انکوائری کرنے کے بعد ہم ان کے لائسنس منسوخ بھی کریں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ آج ہم نے بیٹھ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، نیلم یہ سن لیں بات، یہ سن لیں بات جی مکمل کریں، کہ یہ ہم نوٹس میں لائے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے، انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انتظامیہ کو ڈائریکٹ کریں گے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے اور اس کی فل فلیجڈ انکوائری ہونی چاہیے اس واقعے کی، جو بھی اس میں ملوث پایا جائے، اگر ہمارے بچے اس میں ملوث پائے گئے ان کی غلطی ہوئی تو ضرور ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تو آج فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ آج بیان آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، لائرز کمیونٹی کو استعمال کر کے پنجاب کا جو ماحول ہے وہ خراب کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نون لیگ کے لوگ شامل تھے، ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں ایگزیکٹلی واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ، لیٹس واچ دس۔ تو ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ایک ہی تو جنا وہ نشاندہی ہوگی ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ حمزہ شہباز، مریم نواز صاحب اور پوری نون لیگ کے جنا شہباز شریف صاحب کا وہ بڑا کلوز ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش تھی مطلب کمیونٹی کو استعمال کر کے اور ان کی چھتری تلے پنجاب کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنے کے لیے، پنجاب حکومت کے خلاف اور پنجاب کا جو پرامن ماحول تھا جو محرم کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے نہیں خراب ہو سکا، اس کو خراب کرنے کی ایک سازش تھی، جس میں میں برملا کہوں گا کہ جی ڈاکٹر بزر اقبال صاحب، یہ اب فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ وہاں پر آج جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو رویہ نظر آتا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے، ابھی بھی ہماری سکرین پر وہ دکھایا جا رہا ہوگا، تو یہ کیا نون لیگ بھی یہاں پر شامل جو ہے نظر آئی ہے ان وکلا برادری کے ساتھ، آپ لوگوں کی جانب سے بھی کوئی کسی قسم کا جو ہے انڈر دا ٹیبل کوئی کسی قسم کا کردار جو ہے پلے کیا گیا، انکوائری بٹھانی ہے
इसका जुडिशियल इंक्वायरी इसकी हो, इस वाक्य की, और जो भी इसमें जिम्मेदार पाए जाएं हम उनको सजा भी दें, और आइंदा के लिए हम तदारक करें कि ऐसे वाक्यात ना हो। ये कोई अच्छे वाक्यात नहीं है। हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं अपने डॉक्टर साहबान का, वो हमारे मसीहा हैं। इसी तरह बुखला भी जो है वो लोगों की मसीहाई करते हैं, उनको रिलीफ दिलवाते हैं जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, और जो उनके खिलाफ ज्यादतियाँ होती हैं, जो उनके खिलाफ जो भी जहाँ भी उनका कोई मसला होता है, हम उनकी हेल्प को पहुँचते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर सुबान हैं, उनकी जो एसोसिएशन हैं, उनको भी अब दिल बड़ा करना चाहिए, कल हमें बैठना चाहिए और बैठ के इस मसले को हल निकाल के आइंदा के लिए ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर अहमद चट्ठा साहब, हम आपकी जानिब अब आएंगे। अब आपके ऊपर सारे सवाल आते हैं इस वक्त कि अगर जानिब से जो है किसी किस्म का जो है सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा था, और हमने देखा कि वहाँ पर हॉस्पिटल जो था वो यरहमाल बनाया गया, और हमने देखा कि वहाँ पर मरीज जो है वो सफ़र कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर हुकूमत की अब जिम्मेदारी जो आती है, रियासत की जो जिम्मेदारी आती है, उस पर भी सवाल उठता है। आप डॉक्टर कासिम आवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मुकम्मल करें अपनी बात। जी, मैं नीलम ये कहना चाह रहा हूँ, फयाज चौहान साहब ने जो बयान दिया है वो जो है, पहले तो उन पर हमले की मैं मजम्मत करता हूँ और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ कि वो एक अच्छी नीयत के साथ वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर जो है वो एक तो उन्हें जो है वो जब गए एज ए मिनिस्टर तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी और सब, क्योंकि मॉब मेंटेलिटी जो होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, और वहाँ पर पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाना चाहिए। अहमद चट्ठा साहब, दूसरा ये है, दूसरा आपकी जानिब अब तमाम उंगलियाँ उठ रही हैं, आपकी तरफ जाने तमाम जो है सवालात जो है लाए जा रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर लेट सपोज के लॉयर्स कम्युनिटी की जानिब से इतना इरेशनल और आउटरेजियसली जो है इंसेन बिहेवियर अगर जो है कंडक्ट किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो कहाँ थी? पुलिस की जानिब से क्यों नहीं हॉस्पिटल को जाकर सिक्योर किया गया? पुलिस की जानिब से इस मामले को क्यों नहीं हैंडल किया गया? वहाँ पर पुलिस एक खामोश तमाशाई क्यों बनी, पहले खड़ी नजर आती रही, और जब डैमेज बिल्कुल इंसेन हो गया तो तब आपकी जानिब से जो है आंसू गैस और उन चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा कि आज के जो इंसिडेंट है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें बहुत ही अफसोस है और इजहार अफसोस करना चाहिए और इजहार यकजहती करना चाहिए उन लोगों की फैमिलीज़ के साथ जो लोग वहाँ पर इलाज कराने आए और जो कि बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से जो कि इस दुनिया से गुजर गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे। सबसे पहले तो देखें, असल में हॉस्पिटल लोगों के इलाज के लिए होता है, उनकी इमदाद के लिए होता है, तो हॉस्पिटल के ऊपर ऐसे हमला बोलना और उसके अंदर जाना ये इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात है। तो अगर आप इस सारे इंसिडेंट को देख लें जहाँ पर आप रियासत की बात कर रही हैं, तो आप ये देखें कि किस दिलेरी से हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, इवन दो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी मॉब था और वो सारे मामला थे, किस तरह से वो वहाँ पर गए और उन्होंने कोशिश की, पुलिस की जानिब से इस मामले को हैंडल करने की तैयारी कहीं नहीं नजर आई थी। मेरी अगर आप मामलात कंप्लीट, मेरी बात कंप्लीट होने दें, किस तरह वो वहां पर गए और उन्होंने किस दिलेरी से कोशिश की कि वहां पर इस सिचुएशन को पैसिफाई किया जाए, एक तरफ डॉक्टर्स को भी पैसिफाई किया जाए, एक तरफ लॉयर हजरात को भी पैसिफाई किया जाए और हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। और आप इसमें ये बात भी देखें कि पुलिस ने फिर जब कंट्रोल लिया, एक हद से जब आगे बातें गुजर गई थी, पुलिस ने कंट्रोल लिया और कितनी जल्दी वहां पर मामलात उसके बाद क्लियर किए गए उस एरिया के अंदर। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने ऑफिस से निकल के वहां पर गया तो और सारे हालात देखे, वहां पर क्लियर करके हालात मरीजों के लिए बिल्कुल दो शिफ्ट में कर दिए गए थे। एक इंसिडेंट हुआ जहां पर बहुत ढेर सारे वकील गए, एकदम हमला बोल दिया, तो इसमें रियासत का कसूर तो नहीं, इसमें तो ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी ने खुद भी तो देखना था कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या मामलात हैं, और उसके बाद रियासत ने एक्शन लिया। और जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, बड़ा पूरी तरीके से इस मामलात की, इस इंसिडेंट की इंक्वायरी होगी और इसके अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे कि जो लोग गुनाहगार हैं उनको बिल्कुल सजाएं भी मिलेंगी और बिल्कुल हर किस्म का एक्शन आपको होता नजर आएगा आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। तो रियासत बिल्कुल अपना काम बखूबी निभाना जानती भी है, यहाँ पर जस्टिस और गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस इंसिडेंट को हैंडल भी प्रॉपर तरीके से किया, बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर जो वजीर कानून है वो भी आते हैं और आकर कहते हैं कि इस वाकये में जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट, देन वी विल टेबल द क्वेश्चन।
جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف بھرپور جو ہے کاروائی کی جائے گی. اور اس سلسلے میں آج چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ وکلا حضرات جو اس واقعہ میں ملوث ہوئے ان کے خلاف, دوسرے لوگ جو جن کی نشاندہی ویڈیوز کے ذریعے ہوئی ہیں ان کے خلاف کاروائی. اور اس تمام صورتحال سے ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک ہائی ہینڈڈنیس کا کلچر جو ہے یہ پروان چڑھنا شروع ہوا ہے, اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. میں یہاں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ جی, جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائی ہینڈڈنیس کلچر کا جو ہوا ہے, فروغ دیا گیا ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہوا, چاہے وکیل برادری ہو یا دوسرے لوگ ہو, ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اب یہ بتائیے گا کہ کیا بار کاؤنسل کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے کو لے کر؟ ویڈیوز میں آپ بڑا کلیئر دیکھ سکتے ہیں وہ فیسز بھی, وہ افراد بھی, ان کے ایکشنز بھی, کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز کے بعد کیا ایسے لوگوں کے لائسنسز ہمیں کینسل ہوتے نظر آئیں گے؟ کیا بار کاؤنسل اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا واقعی میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی؟ نیلم, میں پہلے تو ہمارے وزیر قانون ہمارے دوست بھی ہیں, راجہ صاحب نے بڑی بیلنس بات کی ہے کہ جو بھی اس میں ملوث پایا جائے, اگر وکلا کی طرف سے ہے پھر بھی, اگر ڈاکٹر صبان کی طرف سے ہے پھر بھی, تو اس کو ضرور جو ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس, ضرور آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے میں نے جو پہلے تجویز دی, آج ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بھی بات کی لاہور ہائی کورٹ کے, وہاں بھی ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس واقعے کی ایک فل فلیج جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوا, زیادتی کس کی تھی, پھر اس کے بعد کیسے واقعات ہوئے. اگر وہیں وکلا کو انصاف مل جاتا, پرچہ درج ہو جاتا, وہ جو جن ڈاکٹر صبان نے زیادتی کی تھی یا پیرا میڈیکل اسٹاف نے, وہ اس کو فیس کر لیتے پروسیکیوشن کو, تو بات آگے نہ بڑھتی. اور جو کل ویڈیو وائرل ہوئی, اگر اس کا پرچہ درج ہو جاتا تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ آتی. جو واقعہ ہوا بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, یہ غلط ہوا, اس کی مذمت میں خود کر رہا ہوں. یہاں تک واقعہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں یقین دلاتا ہوں آپ کے توسط سے, آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری بار کونسل ضرور حرکت میں آئیں گی. آج ہماری ایک بیٹھک ہوئی ہے سینئر, مجھے ویسے رمضان چودھری صاحب جو اس میں ملوث پائے گئے, حیرت بھی ہو رہی ہے, خود بھی اس کا محاسبہ کریں گے اور عدلیہ کو بھی ہم نے کہا, ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جو ہے انکوائری کمیٹی بٹھائیں, یہ واقعہ نہ ہوتا, اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. اور میرا خیال گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ نے بھی شاید آج کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تہ تک جائیں گے. تو میں اپنے جو ڈاکٹر بھائی ہیں, جو ان کی ایسوسی ایشن ہے, میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں کہ اس بات کو بڑھائیں نہیں. اگر یہ بات بڑھے گی تو جگ انسائی ہوگی ان کی بھی اور ہماری بھی ہو رہی ہے. تو ہم کل بیٹھ کے, آپ کے سینئرز بھی آئیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں, ہم بیٹھ کے اپنے اپنی جو غلطیاں ہیں, آپ کا پرسپیکٹو آ گیا, اس کو مانتے ہوئے آگے بڑھے. یہاں پر یہ ریزننگ کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی یا اگر یہ ہو جاتا تو شاید یہ آج کا واقعہ نہ ہوتا. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا, ہاسپٹل پر اٹیک کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا, چاہے کوئی بھی ریزننگ ہوتی. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائس چیئرمین پنجاب بار کاؤنسل ہیں اسماعیل شاہ نواز, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی انہوں نے مذمت کی ہے, کنڈیم کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لائرز کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی. اب یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بار کاؤنسل جو ہے وہ ان وکلا کی جو ذمہ داران ہیں ان کے لائسنس کینسل کریں گے یا نہیں؟ یہ ضرور کریں گے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. اگر وہ ملوث پائے گئے اور اگر ان کے خلاف دوران انکوائری یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہے یا انہوں نے غلط کام کیا ہے, تو یقیناً نہ صرف ان کے لائسنس ہم معطل کریں گے, ان کو جرمانے بھی کریں گے اور ان کو ہم وکلا برادری سے خارج بھی کریں گے اگر ایسا ثابت ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایسا اعلان ہمیں دوسری طرف سے بھی توقع ہے کہ وہ بھی کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹر صبان ہے ان کی غلطی ہے تو وہ بھی ان کے خلاف ایکشن لیں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ رمضان چودھری صاحب معاملہ آگے نہیں بڑھے گا, پرسپیکٹو آ گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور پرسپیکٹو بھی سامنے لایا جا رہا ہے اور کچھ اور
خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اس واقعے کے جو لب لباب کو لے کر، وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وکلاء بار ایسوسی ایشنز کے آنے والے دنوں میں الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کی کاروائی اس سلسلے کی کڑی بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کیا الیکشن کے دنوں میں ذرا تھوڑا بار کا ماحول گرم ہوتا ہے اور وکلاء اکٹھے ہوتے ہیں، استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ وکلاء ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، سارے وکلاء آ جاتے ہیں، وہاں انتخابی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں، بار روم میں چائے وائے چل رہی ہوتی ہے، دعوتیں، کھانے، ناشتے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں یہ نومبر، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں۔ تو یہ چونکہ واقعات بھی یہ انہی دنوں میں ہو گئے، تو وہاں لوگ چونکہ زیادہ تعداد میں پہلے سے موجود تھے، اور پھر یہ درست ہے بات کہ کچھ جو کینڈیڈیٹ حضرات ہیں وہ شاید زیادہ بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں کہ چلیں ہم پرومیننٹ ہو جائیں، یہ ساری باتیں ہیں، وہ نظر بھی آ رہے ہیں، وہ تمام کینڈیڈیٹس ان ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں۔ میں یہاں پر ہم انشاءاللہ بالکل اس کو جو غلط آدمی ہے رمضان چوہدری صاحب کا پرسپیکٹو آ گیا، لیکن ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، جیسا کہ میں نے بھی مینشن کیا کہ جو وکلاء بار ایسوسیشنز ہیں اس کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں آنے والے دنوں میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ باقاعدہ آپ ان کو ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب بھرپور شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں اس آج کے افسوسناک واقعے میں۔ اب یہ آج کی کاروائی کو ان آنے والے الیکشنز کی بھی ایک کڑی جو ہے اس سلسلے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں isn't it's about time کہ یہ تمام جو لوپ ہولز ہیں اور وکلاء گردی ہے یا دہشت گردی کہہ لیں، کیا ان کے خلاف ٹیررزم کے انڈر کیسز فائل ہونے چاہیے؟ وکلاء گردی بار بار میں آپ کے منہ سے ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، یہ آپ سے سوال ہے، رمضان چودھری صاحب آپ کا پرسپیکٹو آ گیا، ہمیں باقی اپنے گیسٹ پینلز کو بھی شریک گفتگو کرنے دیں۔ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب کیا فرمائیے گا، یہ میرا کوسچن آپ کے لیے۔ کیا کوسچن کیا آپ نے، میں سن نہیں سکا کیونکہ جسٹس صاحب بول رہے تھے اور آپ بھی بول رہے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ let me answer this question اور یہ بات آپ آج کے اس افسوسناک دن کا، جو افسوسناک ہمارے سامنے آج کا دن ہے، اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وکلاء بار ایسوسی ایشنز کے آنے والے دنوں میں الیکشنز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو آج کی کاروائی تھی یہ اس سلسلے کی بھی ایک کڑی قرار دی جا رہی ہے، اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان الیکشنز میں، جو آگے جا کر کینڈیڈیٹس کھڑے ہونے ہیں، وہ بڑا کلیئر کٹ ان ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں جو کہ بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے تھے۔ اور جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، رمضان چودھری صاحب کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ میں وکلاء گردی کی ٹرم کیوں بار بار یوز کر رہی ہوں، اینڈ بلیو می مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے یہ ٹرم یوز کرتے ہوئے، لیکن جو آج دیکھا گیا ہے اس کے بعد لائرز کمیونٹی کے حوالے سے جو افسوس کے ساتھ ہمیں یہ ٹرم یوز کرنی پڑ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، میں اس پر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ابھی تک اجاگر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کی بالکل فیلئر ہے، پنجاب حکومت کی بالکل نااہلی یہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ 10 دن سے چل رہا تھا، 12 دن سے چل رہا تھا، جو ایک معمولی انسیڈنٹ سے شروع ہوا اور آج جو ہے وہ ایک معاشرے کا بھیانک جو ہے وہ جو ہے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جو کہ ساری دنیا میں ہمارے لیے باعث شرمندگی بنا۔ پہلے تو اس پہ پنجاب حکومت کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا، جیسے کہ جسٹس رمضان صاحب نے بھی ابھی کہا کہ اس وقت اگر یہ سارے میز لیے جاتے اور یہ ایسوسیشنز کو انوالو کیا جاتا، اور یہ جو لا منسٹر صاحب آج جو کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں، یا چیف منسٹر صاحب اور بعد پرائم منسٹر تک، یعنی چیف منسٹر صاحب تو نظر ہی نہیں آتے، پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیجن، اینڈ دی فیڈرل انفارمیشن جو ہے منسٹر وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ایم ایس جو ہے پی آئی سی کے، جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، 3 گھنٹے سے پولیس کو فون کر رہے تھے اور 3 گھنٹے سے وہ ان کو پکار رہے تھے کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، اطلاعات اچھی نہیں ہے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں 3 گھنٹے تک وہاں پر کسی نے دادرسی نہیں کی، وہاں پر کوئی پولیس موجود نہیں تھی۔ یہ انتظامیہ، یہ جن کو یہ روز اکھاڑ پچاڑ کر رہے ہیں، جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی، آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو یہ ہے دے شوڈ بی پٹ آن دا ٹاسک، ان کو جو ہے وہ بلایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کے جو منسٹرز ہیں، لا منسٹر ہیں یا ہیلتھ منسٹر ہیں یا باقی جو ان کے منسٹرز ہیں انفارمیشن کے، اور وہ جو انہوں نے کیوں نہیں اس میں اپنا رول ادا کیا، یہ واقعہ ہونے ہی کیوں دیا گیا۔ اب یہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے جو ہے تحقیقات جو ہے بالکل ہونی چاہیے، جیسے کہ جسٹس رمضان صاحب نے کہا ہے کہ بہت ڈیٹیلڈ انکوائری ہونی چاہیے۔ البتہ تو یہ واقعہ جو ہونا ہے اس حکومت کی ناکامی کا،
जो है सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा ये है कि इस वक्त आप देखें कि उस पार्टी की इस मुल्क पर हुकूमत है जिसका जो सरबराह है, जो वजीर आजम है, जिसने कि ये सारी बुनियाद रखी है एहतजाजी सियासत की, कंटेनर की सियासत की, टीवी पर हमलों की सियासत की, जो है वजीर आजम हाउस पर हमलों की सियासत की, अब आप देखें पुलिस पर जो है तशद्दुद की सियासत की, अब ये आप उसके फल समेट रहे हैं, उसके सम्राट देख रहे हैं, ये जो आ रहे हैं आपके सामने, ये मुआशरा जो है जिस तरह डिटीरियोरेट हो रहा है इस प्रेजेंट हुकूमत में, इस प्रेजेंट हुकूमत में जिस तरह ये मुआशरा डिटीरियोरेट हो रहा है, ये उसके असरात हैं कि आपने वो मामलात को वहां तक ले गए हैं कि जहां पर नो रिटर्न हो गया है। मैं इसमें जी एक बात और इंतजामिया शुड बी पुट ऑन द टास्क, ये बात इस गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं जिसके अंदर दिन दहाड़े मॉल टाउन के अंदर जब पैट के वर्कर निकलना चाह रहे थे पीसफुल एहतजाज के लिए, वहां पर पुलिस के थ्रू 14 बंदों का कत्ल कर दिया गया था, ये उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात कर रहे हैं। हमने तो जाके, हमारे मिनिस्टर ने तो अपनी जानों की परवाह न की, वहां पर जाके चीजों को पैसिफाई किया और कोशिश किया कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो। और जहां पर भी बात FIR की, ये कहां पर इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये अगले दिन ही FIR लॉज होगी थी, उसके बाद जब डॉक्टर्स ने बाजाबता तौर पे माजरत कर ली थी ये इशू एक लिहाज से क्लोज हो चुका था। कल एक और वीडियो ऐसी वहां पर चली जो कि पुरानी थी, किस वक्त की थी, उसके मुताबिक एक दफा फिर लॉयर्स हरकत में आए। क्या और इस वीडियो से हुकूमत को हुकूमत बेखबर थी? सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के ऊपर, ये हुकूमत बेखबर थी और टाइमली तौर पे पुलिस भी वहां पर पहुंची। क्वेश्चन ये था कि कितना अग्रेसिव किस वक्त होता है, 3 घंटे लेट पहुंची है पुलिस। बात करते हैं वो लोगों को, आपने हमले आवरों को मारने की गवर्नेंस की बात करते हैं, आपने पुलिस, आपने जब एक मॉब होता है तो तरीके से रिजॉल्व करना होता है, पेशेंस से रिजॉल्व करना होता है और हल करना होता है, और ये तरीका है, जानी नुकसान, ये आपने ये तरीका देखा है जो कि आज हुआ। क्या वो तरीका था कि लोगों को पुलिस से गोलियां मरवा दें जो आपकी गवर्नमेंट ने किया अपने दौर में? मेरा सवाल, अपना तरीका तो हैंडल करना देखे ना कि आपने क्या किया उस वक्त और कितनी माजरत थी उसके बाद। डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, अहमद चट्ठा साहब आज भी पुलिस ने, पहले आप अगर मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, अहमद चट्ठा साहब अगर आप मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, अगर आज के इस पूरे दिन को देखा जाए और अगर इसे रियासत पर हमला करार दिया जाए तो शायद कम नहीं होगा। हम पूरा दिन देखते रहे हैं, घंटों हमने देखा है कि क्या हमारे सामने होता रहा है, तो अगर रियासती रिट को कोई खुलेआम इस तरह से चैलेंज कर रहा है, कोई भी कम्युनिटी हो, लॉयर्स कम्युनिटी हो, डॉक्टर्स हो या एनी अदर कम्युनिटी, आपको खुलेआम चैलेंज किया गया है, तो अगर रियासत इन मामलात पर खामोश या कोई किरदार, इफेक्टिव किरदार अदा नहीं कर पाएगी ऑन टाइम, तो फिर मुल्क में रियासत और कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कैसे इसको सस्टेन करेंगे, कैसे इसको जो है मेंटेन करेंगे? देखिए इसमें बात बड़ी क्लियर सी आ गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी मैसेज आ गया है और चीफ मिनिस्टर साहब का भी स्ट्रिक्ट मैसेज आ गया है टू ऑल इंस्टीट्यूशंस कि इसकी बरवक्त इंक्वायरी होनी है और बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी है। ये तमाम वीडियोस जो कि सारा दिन बनती रही है, इसमें तमाम चेहरे चेक होंगे, कौन क्या किरदार अदा कर रहा था और क्या क्या कर रहा था, और इंशाल्लाह ताला आपको स्ट्रिक्ट एक्शन नजर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से और आपको नजर आएगा कि कानून किस तरह नाफिज होता है, किस तरह कानून की पाबंदी कराई जाती है और किस तरह एग्जाम्पल सेट होता है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स मुस्तकबिल में ना हो सके, और प्रॉपर एक्शन आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगा। अभी आज ये इंसिडेंट हुआ है, कल से आप आगे देखिएगा कि किस तरह एक्शन होता है इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल इसमें जाती और अनफेयर होने की बात नहीं है, इसमें बात वही है कि जो कल्प्रिट है उसकी हद तक एक्शन होगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, हमने लेकिन क्या अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ये अब हुकूमत का इम्तिहान है कि जो रियासत की अलमदारी का चैलेंज है इस वक्त, आज जो धज्जियां उड़ गई हैं कि एक कम्युनिटी ने जो है आपकी पूरी रिट को चैलेंज कर दिया आकर, तो क्या अब ये चैलेंज हुकूमत पूरा कर पाएगी कि इस रिट को चैलेंज करने वालों को कानून के कटहरों में लाकर खड़ा किया जाएगा, और फिर क्या हुकूमत जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा कर पाएगी और रख पाएगी, उसको आगे तक लेकर जाएगी? हम ये ना हो कि देख रहे हों कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है करवाकर तमाम लॉयर्स जो हैं वो घूमते फिरते नजर आ रहे हों, बिकॉज ऑब्वियसली एज दे नो मोर लॉ, तो वो तो अपनी ऑप्शंस पहले से क्लियर रख के सामने जो है मूव करेंगे। जी जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, आप मुकम्मल कर लीजिएगा, हमारे शो का वक्त भी कम रहेगा। मैं कहना यह चाह रहा था कि जो कुछ आज पुलिस ने किया है ये इस मामले को दोबारा आग लगाने वाली बात है। इस वक्त हमारे 30 से 35 वकला जो हैं वो लापता हैं, मुख्तलिफ थानों में कैद हैं, और 6 से 7 खवातीन वकला जिनकी फैमिलीज परेशान हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि किस थाने में उनको रखा हुआ है, कहाँ हैं वो, और 8 से 10 वकला सीरियसली जख्मी हैं।
एक मैंने आपको बताया सईद नागरा साहब चेहरे जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो इत्फाक हॉस्पिटल में है, जनरल हॉस्पिटल लेके गए, वहां उनका उन्होंने इलाज नहीं किया। देखे इस तरह ये मामले फर्दर एग्रेवेट हो जाएंगे। चौधरी साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, अहमद चट्टा साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए अफसोस के साथ हमें आज हम पूरा दिन रिपोर्ट करते रहे हैं और इंतहाई अफसोस का मकाम था कि ये हमारी वो पढ़ी लिखी बिरादरी है, ये वो एजुकेटेड कम्युनिटी है, काले कोट वाले हैं जिनको के कानून का तहफ्फुज करना है, इनको कानून का मुहाफिज समझा जाता है, लोग इनके पास इंसाफ लेने जाते हैं और आज यही कानून के मुहाफिज ऑफ ऑल द प्लेसेस, हस्पताल जैसी जगह पर जिस पर मैदान जंग में भी हमला नहीं होता, ये वहां जाकर हमला करते हैं और इन लोगों की इस तमाम कार्रवाई से, इस तमाम जो है डिग्रेडिंग कह लिया जाए या इनसेन बिहेवियर की वजह से 3 जो मरीज हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो जाती नौयत के झगड़े होते हैं उनको लेकर इदारों में तसादुम जो है वो करवाना चाहिए, क्या इतने छोटे झगड़े को आपने दो कम्युनिटीज, प्रोफेशनल कम्युनिटीज के लिए आपने एक इतना बड़ा झगड़ा बना दिया है, क्या ऐसे झगड़ों की जो हम अगर पाकिस्तान में लॉयर्स कम्युनिटी की बात करें, बार काउंसिल कम्युनिटी की बात करें, क्या वहां से इन लॉयर्स की सरपरस्ती की जा रही है और अगर की जा रही है तो उनको भी जिम्मेदार जो है ठहराना चाहिए, और वकला जिनको के कानून का मुहाफिज समझा जाता है लेकिन जब कानून का मुहाफिज ही कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर रियासत अपनी रिट जो है वो कैसे बहाल रखेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी गौर फिक्र की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।